नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, इससे पहले मैंने इस वेल्डिंग मशीन की जो डिजाइनिंग कैसे की हुई है, यानी इसकी बनावट कैसी है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद की इसकी वीडियो में मैंने इसकी फॉल्ट की फाइंडिंग करके दिखाई थी। उसके बाद की वीडियो में मैंने इसके अंदर कुछ चीजें चेंज की जो कि बेसिकली इसकी रिपेयर के अंदर आता है, लेकिन वो वीडियो चूंकि काफी ज्यादा लंबा हो चुका था, इस वजह से उस वीडियो को हमें रोकना पड़ा और मैं इसकी दूसरी पार्ट में अभी बना रहा हूँ, जिसके अंदर की मैं इसकी कंप्लीट चीजें आपको बताऊंगा और इसे मैं कंप्लीट ठीक करके आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइमरी के अंदर कुछ लूप निकली हुई है, तो उस लूप को आप कैसे टेस्ट करेंगे, कौन सी एक नंबर की लूप है, कौन सी दो नंबर की लूप है और कौन सी तीन नंबर की लूप है, तो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें ACNDC बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वेल्डिंग मशीन से जुड़ी हुई इससे पहले 3-4 वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने इसकी पिछली किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो हो सकता है वीडियो आपके समझ में ना आए, क्योंकि इसकी एक कंप्लीट सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले आप ऊपर दिए आई बटन के ऊपर क्लिक करें और सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लें, तो फिर आपको ये वीडियो समझना काफी आसान हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके अंदर काफी सारी चीजें कर दी थी। इस वीडियो के अंदर इनकी जो भी लूप है इसे हम पहचानना बताएंगे कि कौन सी लूप कितने नंबर की है, और इसके बाद इसकी कंप्लीट कनेक्शन करके फिर इसकी टेस्टिंग भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस वेल्डिंग मशीन के अंदर जैसा कि देख सकते हैं, इसकी प्राइमरी के एक कॉइल से यहाँ पे जो लूप निकली हुई है वो 4 निकली हुई है। तो सबसे पहले विजुअल, यानी कि आप आंख से सबसे पहले देखकर डिसाइड करें कि कौन सी लूप कितने नंबर की है, हालांकि ये संभावित है, और इसके बाद मैं कंप्लीट इसकी टेस्टिंग करके आपको मल्टीमीटर की मदद से आपको दिखाऊंगा कि कौन सी लूप कितने नंबर की है और कहां कहां में कौन किस किस तरह की वोल्टेज आपको मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, इस प्राइमरी वाले क्वाइल के बिल्कुल नीचे से एक लूप निकली हुई है जीरो वाली, जो कि यहाँ के इन दोनों क्वाइल आपस में जो सीरीज है, तो यहाँ पे ये जीरो से ये लूप निकली, यानी कि इस क्वाइल की जो वाइंडिंग हुई होगी इसकी स्टार्टिंग लूप ये है। ठीक है, इसके बाद इसकी सेकेंड लूप कौन सी हो सकती है, तो जैसा कि देख सकते हैं ये लूप इसकी आखिरी लूप है। यहाँ में जैसा कि देख सकते हैं एक वायर ही है लूप के अंदर और ये बिल्कुल अंत में, यहां में जैसा कि देख सकते हैं ये अंत की लूप है और ये फर्स्ट की लूप है। ये दो लूप देखने से ही क्लियर हो गई, बची ये दो लूप। तो इन दोनों लूप की अगर बात की जाए तो जैसा कि देख सकते हैं ये कंप्लीट एक लेयर आ रही है। मैं आपको थोड़ी सी और नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं ये इसी लेयर का लूप है और ये लेयर जैसा कि आप यहां में देख सकते हैं, तो इसी लेयर का ये लूप है और ये लूप इस लेयर के अंदर वाले लेयर से इस लूप को डायरेक्टली बीच से ही बाहर निकाली गई है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस ट्रांसफार्मर में सबसे पहली लूप ये हुई, दूसरी लूप ये हुई, तीसरी ये हुई और चौथी ये हुई। यानी कि जब हमें अपने वेल्डिंग मशीन को बिल्कुल ज्यादा हाई वोल्टेज पे रखना होगा, जब किसी सख्त लोहे पर आपको वेल्डिंग करने की जरूरत होगी, तो आप स्टेपिंग के अंदर लाइन देंगे। जब उससे थोड़ी सी और कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी तो दूसरी करंट आप यहां पे देंगे, और अगर आपको बिल्कुल कम वोल्टेज पे वेल्डिंग करने की जरूरत है तो आप यहां में कनेक्शन देंगे। तो ये तो था विजुअल, आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी लूप कितने नंबर की है। अगर आप विजुअली समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप डायरेक्टली इसे चेक लाइन डालकर भी कर सकते हैं। तो जैसा कि एक लाइन के वायर को हमने कनेक्ट कर दिया है इस प्राइमरी के इस क्वाइल के साथ, जो कि ये दोनों आपस में सीरीज है, तो एक इसके साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब एक वायर से हम इन तीनों के ऊपर लाइन बारी बारी से डालेंगे, और जैसा कि आप यहां में देख सकते हैं, इसके आउटपुट में, इसकी आउटपुट के अंदर हमने यहाँ पे मल्टीमीटर लगा दिया है और इसे वोल्टेज की रेंज में हमने सेट कर दिया है, और इन दोनों प्रोब को हमने यहाँ यहाँ में कनेक्ट कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, सिंपली हम इसमें पावर ऑन करेंगे और एक एक लूप के ऊपर अपने लाइन को डालेंगे और फिर यहां से वोल्टेज को चेक करेंगे। तो चलिए हम इसमें पावर ऑन करते हैं। मेरे हाथ में अभी पावर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं थोड़ी सी आपको और
अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ में मल्टीमीटर भी देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम इस लूप के ऊपर कनेक्शन डालेंगे। जैसा कि आप यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ पे 37 वोल्ट आपको देखने को मिल रही है, 37 वोल्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 37 वोल्ट है। इस लूप के ऊपर जब हम लाइन डालेंगे तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 36 वोल्ट है, एक वोल्ट ड्रॉप कर गई। और जब हम यहाँ में लाइन डालेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 35 वोल्ट है, यहाँ पे 36 वोल्ट है और इस लूप के ऊपर 37 वोल्ट है। ठीक है, तो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि कौन सी लूप हमारे कितने नंबर की है। ठीक है, अब बची बात कि इसकी फैन और इंडिकेटर की कनेक्शन फिक्स होगी और बाकी की सारी लूप आपकी इस रोटरी स्विच के ऊपर आएगी। रोटरी के साथ कनेक्ट किसी भी कनेक्शन को इस रोटरी के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें एक कॉमन वाला पोल होता है, उसके ऊपर हम लाइन डालते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम पावर कनेक्ट करते हैं रोटरी के कॉमन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस रोटरी में कंप्लीट एक लाइन में सारी की सारी लूप है। और एक लूप जैसा कि यहाँ में देख सकते हैं ये थोड़ी सी साइड में निकाली हुई है, ये होती है कॉमन वाली। ठीक है, तो एक लाइन को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और जो भी हमारी ये सारी की सारी लूप है इसे हम 1 2 3 के हिसाब से इस रोटरी स्विच के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। और साथ ही इसकी जो हाई वाली लूप है ये, इसके साथ हम रोटरी ये फैन और इंडिकेटर इन दोनों वायर को हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे और एक एक वायर हम यहाँ में कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल के ऊपर, ताकि जब कभी भी वेल्डिंग मशीन ऑन हो, चाहे वो रखी हो हाई के ऊपर चाहे हो लो के ऊपर, तो भी हमारी इंडिकेटर और फैन हमेशा चलती रहे। तो चलिए हम इसे कनेक्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि इस रोटरी की ये है कॉमन वाली पोल, ये है एक नंबर वाली, ये है दो नंबर, ये है तीन नंबर और ये है हमारी 4 नंबर की कनेक्शन। तो यहाँ में जगह भी थोड़ी सी कंजेस्टेड है, तो और हमारी लूप की संख्या सिर्फ 3 है। ठीक है, तो हम एक पोल को यहाँ पे खाली छोड़ देंगे, यानी कि जब हमें वेल्डिंग मशीन को ऑफ करने से ज़रूरत होगी तो हमारी जो ये नॉब है ये इस पोजीशन में होगी एक नंबर के ऊपर, और जिस हिसाब से हमें और वोल्टेज की ज़रूरत होगी तो इस हिसाब से हम इसे घुमाकर एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो फर्स्ट वाली लूप है यहाँ वाली, तो इसे हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम कोई भी कनेक्शन नहीं डालेंगे। जब हमारी रोटरी स्विच यहाँ पे आएगी तो हमारी वेल्डिंग मशीन ऑफ के पोजीशन में होगी और इन तीनों के साथ हम इन सारे लूप को जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले ये है हमारी सबसे कम वोल्टेज वाली, तो इसे हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ में। ठीक है, ताकि जब हम अपने वेल्डिंग मशीन को इस डायरेक्शन में, यानी कि आप ये समझ लें कि 2 नंबर रोटरी स्विच के जब 2 नंबर पे हम लाएंगे तो हमारी क्या होगी, वेल्डिंग मशीन बिल्कुल लो वोल्टेज के ऊपर आ जाएगी और जिस हिसाब से हमें वोल्टेज बढ़ाने ऐसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से फिर हम रोटरी स्विच को एक बार और घुमाएंगे तो कनेक्शन यहाँ में आएगी। तो यहाँ में कनेक्ट कर देंगे हम अपने 2 नंबर वाले लूप को, यानी कि इसे यहाँ में कनेक्ट कर देंगे, इसे यहाँ में कनेक्ट कर देंगे और जो हमारी सबसे फर्स्ट लूप ट्रांसफार्मर से निकली है इसे हम नीचे यहाँ में कनेक्ट कर देंगे। तो और इसी के साथ हम अपने फैन और इंडिकेटर दोनों को इस वायर के साथ यहाँ में एक एक वायर हम कनेक्ट कर देंगे, ताकि वेल्डिंग मशीन जब ही हमारी ऑन होगी तो ये फैन और इंडिकेटर जलने लगे। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि रोटरी के कॉमन पे हमने एक लाइन वाले वायर को डाला है और अपने ट्रांसफार्मर के अंतिम लूप को हमने लूप नंबर 2 पे लगाया है, रोटरी के 2 नंबर पे, 3 नंबर पे मीडियम वाले को और सबसे हाई वोल्टेज वाले को, यानी कि ट्रांसफार्मर की 2 नंबर की जो लूप है इसे हमने कनेक्ट किया है यहाँ में, यानी कि रोटरी के 4 नंबर पोल के ऊपर। और इन्हीं के ऊपर हमने यहाँ में जैसा कि ये देख सकते हैं फैन की एक वायर और इंडिकेटर की एक वायर को भी हमने यहाँ में ही कनेक्ट किया है, और एक एक हमारी फैन की और इंडिकेटर की एक एक वायर हमारी इस पहली जो प्राइमरी की कॉइल है इसके एक लूप के साथ एक लाइन फैन और इंडिकेटर की वायर कनेक्ट हो गई। ठीक है, हम आपको इसे अपने ग्राफ के अंदर दिखाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले इसके ऊपर इन चीज़ों को बताया हुआ था। जैसा कि देख सकते हैं ये है हमारी प्राइमरी की कॉइल, ये है हमारी प्राइमरी की कॉइल, तो एक लाइन हमने यहाँ में डाला है, एक लाइन हमने इस कॉमन के ऊपर डाला है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं
ये है कॉमन, तो एक लाइन हमने यहां में डाला है, एक लाइन हमने यहां में डाला है, और यहां यहां में एक फैन और इंडिकेटर की एक वायर को जोड़ा है, और फैन और इंडिकेटर की बची एक एक वायर इन तीनों में से हमने हम कहीं भी इससे कनेक्ट कर सकते थे, पर हमने कनेक्ट किया है लूप नंबर 4 के ऊपर। आप चाहे तो कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं है। अब बची बात की रोटरी स्विच के ऊपर, हमने आपको यहाँ पे तीन कनेक्शन हमने आपको यहाँ में दिखाई है, पर एक को हमने यहाँ में खाली रखा है, यानी कि ये रोटरी स्विच जब इस पोजीशन में होगी तो हमारी वेल्डिंग मशीन ऑफ होगी, जब हम इसे थोड़ा सा और घुमाएंगे तो सबसे लो वोल्टेज पे जाएगी, फिर मीडियम पे, और फिर अगर एक बार घुमाएंगे तो ये हमारी लाइन हाई के ऊपर चली जाएगी और हमारी वेल्डिंग मशीन अच्छी खासी परफॉर्मेंस करेगी। यह इसकी सेकेंडरी की कॉइल, एक लूप हमने यहाँ से बाहर निकाला है और एक लूप हमने यहाँ से बाहर निकाला है। तो कुल यही है इस वेल्डिंग मशीन का सिस्टम, और इसकी कंप्लीट कनेक्शन हो चुकी है। तो चलिए हम इसमें पावर ऑन करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि अपने मल्टीमीटर को हमने वोल्टेज रेंज पे सेट किया हुआ है और इसे हमने कनेक्ट कर दिया है अपने वेल्डिंग मशीन के आउटपुट के साथ। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे रोटरी, यहाँ में हमने लिख दिया ऑफ, यानी कि रोटरी स्विच जब इस पोजीशन में होगी तो वेल्डिंग मशीन ऑफ होगी, जब हम इसे एक पर लेकर आएंगे तो ये हमारी मीडियम वोल्टेज के ऊपर, सबसे लो वोल्टेज के ऊपर होगी, अभी 34 वोल्ट शो कर रही है। जब हम इसे एक बार और घुमाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज थोड़ी सी इंक्रीज होगी, 35 वोल्ट हो गई, और जब हम इसे तीन के ऊपर ले जाएंगे तो ये 36 वोल्ट के आसपास हो गई। ये इनपुट वोल्टेज के हिसाब से थोड़ी बहुत आउटपुट में डिफरेंस हो सकती है। तो दोस्तों इसकी कंप्लीट चीज़ क्लियर हो गई, इंडिकेटर भी चल रही है, फैन भी चल रही है। फैन जब इसकी चल रही होती है तो क्या होता है कि बाहर से हवा खींचकर ये हमारी वेल्डिंग मशीन को ठंडा करती रहती है, तो इससे हमारी वेल्डिंग मशीन की लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, वेल्डिंग मशीन जल्दी गर्म नहीं होती है। तो ये वेल्डिंग मशीन हमारी बिल्कुल कंप्लीट तरीके से ठीक हो गई है। और इस वेल्डिंग मशीन के साथ एक ये समस्या थी कि ये वेल्डिंग मशीन हिलने की वजह से ये नीचे वाले कोर से ये बाहर निकल गई थी, इसकी जो नीचे से क्लैंप लगी हुई है इससे ये बाहर आ गई थी। तो चाहे तो हम इसमें एक लक्कर या में कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं ताकि इसकी वेल्ड ट्रांसफार्मर कभी बाहर की तरफ ना निकले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आती है पसंद तो प्लीज़ लाइक करें, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।